नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान द्वारा आयुर्वेद की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसका भोपाल में एकमात्र परीक्षा केंद्र पंडित खुशीलाल होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, जो कि कोविड सेंटर भी है। NSUI मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने बताया कि पहले तो छात्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा परीक्षाओं को स्थगित कर जनरल प्रमोशन का झूठा आश्वासन दिया गया, जिसके लिए तब UGC या अन्य किसी भी संस्था की राय नहीं ली गई। परंतु अब जब कोरोना मध्य प्रदेश में विकराल रूप ले रहा है, तब UGC का हवाला देकर परीक्षाओं के नाम पर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही छात्रों के प्रति सरकार और बीबी का रवैया कितना उदासीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षा कोविड सेंटर पर करवाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय अपनी मनमानी के चलते परीक्षा का आयोजन करवा दिए, लेकिन यहाँ परीक्षा में हजारों छात्रों के स्वास्थ्य और जान पर खतरा मंडरा रहा है। रवि परमार ने कहा कि परीक्षा केंद्र नियंत्रक द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। छात्र छात्राएं बिना मास्क सोशल डिस्टेंस के पालन की परीक्षा दे रहे हैं। धारा 144 के अंतर्गत शासन के नियम तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाने को लेकर परीक्षा केंद्र नियंत्रक पर तत्काल FIR दर्ज कर कार्यवाही की जाए। जो परीक्षा केंद्र है पंडित खुशीलाल, जो कि कोविड सेंटर भी, वहाँ पर छात्र छात्राओं 300 से 400 छात्र छात्राओं की परीक्षा करवाई जा रही है, जो कि नियम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है उनकी पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एक तरफ हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि 10 से 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वहीं 200 से 300 विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा कर उनकी परीक्षा कराई जाना, ये कौन सा नियम है? मैं प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब कोरोना के केस कम थे, कोरोना का प्रकोप कम था, उस समय छात्र छात्राओं को लोभ देने के लिए जनरल प्रमोशन की घोषणा कर दी, और अब कोरोना विकराल रूप ले चुका है, इतने खतरनाक तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद आप छात्रों की परीक्षा करवा रहे हैं। आपने पहले तो जनरल प्रमोशन दिया और अब UGC की गाइडलाइन का बहाना बनाकर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा ना करने के लिए बार बार निवेदन किया गया, हमने चिकित्सा मंत्री से भी इसके लिए इस संदर्भ में बात की, लेकिन उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी मनमानी के चलते परीक्षा करवाई। कुछ विश्वविद्यालय छात्रों से ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई की बात कर रहे हैं और देखिए, ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर ऑनलाइन जो स्टडी हो रही है वो कोई कॉलेज नहीं करवा रहा प्रॉपर रूप से, ओनली उनको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF बना के नोट्स दिए जा रहे हैं, ये कोई ऑनलाइन स्टडी नहीं होती, ना उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, सिर्फ वो फीस लूटना चाह रहे हैं छात्रों से, और फीस के लिए दबाव भी बना रहे हैं। प्राइवेट जो विश्वविद्यालय वो भी, प्राइवेट कॉलेज भी, सभी छात्र छात्राओं के ऊपर फीस को लेकर अत्यधिक दबाव बना रहे हैं, और सिर्फ यहाँ इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी बताया गया है कि कॉलेज जो फीस के लिए दबाव बना रहे हैं इस महामारी में, वो उचित नहीं है, क्योंकि इस समय हर परिवार आर्थिक रूप से तंगी में है, ऐसे में फीस जमा करना हर विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। चिकित्सा मंत्री को हमारी जो मांगे थी उनको लेकर ज्ञापन सौंपा है, अगर जल्दी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ये परीक्षा स्थगित नहीं की, तो चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।